बहुत ही खतरनाक चीज बताना चाहेंगे अभी हम। देखिए पढ़िए गुप्ता जी के बदनाम छोले भटूरे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल पर एक नया दिन और एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों आज मेरी एनर्जी से आपको पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, क्योंकि 3-4 दिनों से मैं बीमार चल रहा था। तो उसकी वजह से थोड़ा मूड भी नहीं करता था कुछ करने का, बट तब भी हम आपको व्लॉग्स दे रहे थे और इवन मेरे फाइनल प्रैक्टिकल चले हैं तब भी मैं आपको व्लॉग्स दे रहा हूँ, डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ और ऐसे ही कुछ करता रहता हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 12-1, शायद 1 बज गया होगा अभी। और अभी मैं जाऊँगा सबसे पहले खाना खाने, उसके बाद मैं जाऊँगा दीपक के रूम में, मेरी फ़ाइल पड़ी है, फाइनल प्रैक्टिकल उसी से होना है, तो वो उसके रूम से वो फाइल उठाऊँगा और उसके बाद मैं सीधा कॉलेज जाऊँगा और उसके बाद फाइनल प्रैक्टिकल दूँगा और आपको बताऊँगा कि आगे का क्या सिनेरियो रहता है। तो फाइनली मैं फिर से ढाबे पर पहुँच चुका हूँ और ये है भैया, भैया के पास आज बना है मिक्स वेज और चने की दाल और चपाती है और चावल है और थोड़ी बहुत चटनी वगैरह तो आपको मिल ही जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आपको। फाइनली दोस्तों मैंने खाना खा लिया है और मैं चला हूँ अभी दीपक के रूम, वहाँ पे मेरी फाइल प्रैक्टिकल फाइल है, तो वहाँ से सबसे पहले मैं फ़ाइल उठाऊँगा। और आप एक चीज़ आज नोटिस कर रहे होंगे कि आज मैंने फाइनली 3-4 दिनों के बाद स्पेक्स लगा ली है, क्योंकि जब से बीमार हुआ था तब से एक इरिटेशन फील हो रही थी स्पेक्स से, पता नहीं क्यों, बट अब ठीक हो चुका हूँ तो अब स्पेक्स आपको कंटिन्यू दिखेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा ठीक हो चुका हूँ, पर 2000 years later दोस्तों मेरा फाइनल प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका है और आज मेरे साथ दो बड़े कांड हुए हैं। एक तो साइनोप्सिस और वाइवाज के प्रैक्टिकल का बिल्कुल बेकार गया और दूसरी बात यह है कि आज मैं कॉलेज को दो प्रैक्टिकल फाइल लेके गया था। एक्चुअली दीपक के रूम से दो प्रैक्टिकल फाइल उठाई और एक थी जिसका सोमवार को होना है फाइनल प्रैक्टिकल, एक थी जिसका आज होना है फाइनल प्रैक्टिकल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका आज होना था फाइनल प्रैक्टिकल वो तो मैंने सबमिट करवा दी, पर किसी क्लास मेरे क्लास में किसी महानुभाव ने ऐसा किया कि मेरे बैग में से बहुत सारी बुक्स डली थी, क्योंकि मैं ही ले जाता हूँ बैग, तो मेरे बैग में बहुत सारी बुक्स डली हुई थी और वहाँ पे दूसरी फाइल भी थी जिसका मंडे को होना है प्रैक्टिकल, और किसी ने क्या किया वो फाइल भी उन्हीं फाइल से मिक्सअप कर दी। फिर उसके बाद मैं घर पहुँचा, घर पहुँच के देखा तो वो फाइल तो थी नहीं, फिर घर से भागता हुआ आया फिर से कॉलेज, क्योंकि कल संडे था, तो अगर आज कहीं गुम हो जाती तो पता नहीं, कोई चांस नहीं था उसका मिलने का क्योंकि कल संडे था और मंडे को मेरा फाइनल प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों बड़ा ही बेकार दिन रहा आज का। और फाइनली मैं फिर उस वहाँ पे गया, मैंने सबको कॉल की पर सर ने कॉल उठाई नहीं, क्योंकि सर फाइनल वाइवा ले रहे थे औरों का। तो फिर मैं गया वहाँ पे, अभी सिर्फ लैब बंद ही होने वाली थी तब जाके पहुँचा मैं वहाँ पे, मैंने सर को आवाज़ डाली रुको सर, फिर मैं गया अंदर, फिर मैंने कम से कम 40 से 45 फाइल्स चेक की, उसमें जाके एंड में जाके ये फाइल निकली। अब आप ही समझ सकते हैं कि क्या हो सकता था इस चीज़ के बिना, क्योंकि एक यही तो था हमारा पूरे साल का रिकॉर्ड कि हमने पूरे साल क्या किया। बनने को क्या है, बनने को बन जाती है, बट बात इतनी सी है कि ये जो हमने पूरे पूरे सेमेस्टर की मेहनत थी, आप क्या बोलें, देखो अब मेरे हालत से पता चल पड़ा ना, मेरे को पसीना भी आ रहा है, मेरे बाल भी कैसे बिखर चुके हैं, बिल्कुल पूरे के पूरे बिखर चुके हैं। नीलेश जी आज हमारा दिन बहुत बेकार रहा, लगभग पूरी क्लास का बेकार रहा। तो नीलेश आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं। आप अपनी आप बीती बताएं, आपका वाइवा कैसा हुआ? वाइवा तो अच्छा हुआ है, साइनोप्सिस में जीरो लग गया। साइनोप्सिस में जीरो लग गया, सभी का यही हाल है। आप मेरे चेहरे की खुशी से नहीं समझ सकते कि हमें अंदर कितना दुख है, अभी तो मैं आपको पता है कि कैमरा में तो हंसना ही पड़ता है, बट जो आज हुआ होप सो हम उसको आगे होने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपनी आप बीती बताएं, आज आपके साथ क्या क्या हुआ?
बहुत ही बुरा हुआ जिसे कह सकते हैं, मतलब साइन ऑफ्स में पहली बार मतलब बहुत ही कम नंबर कम समझ सकते हैं ना, और पढ़ा भी नहीं था, अब किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, जो गलती थी हमारी थी भाई, बात अच्छा हुआ, लेकिन वो साइन ऑफ्स पार्ट था वो कुछ गलती अपनी थी और क्या बोल रहे, साहिल जी का फोन खराब हो चुका था और साहिल जी का फोन मैंने खराब किया था। साहिल क्या कहने आपके इस पे? क्या कहना, दो बार मेरा फोन खराब हो चुका है और अभी मैंने रिपेयर के लिए ही छोड़ा है, और वो बोल रहे हैं कि बैटरी हमारे पास नहीं है इसलिए आप फोन ले जाए, हमसे रिपेयर ना हो सकेगा। और वही तो मैं बता रहा हूँ आपको साहिल जी, अब हम वो फोन दुकान से लेंगे और किसी और दुकान पे देंगे, शायद उनके पास उसकी बैटरी हो। इस शॉप में घाटू ने फोन दिया था, भैया हाय कर दो व्लॉग में आ रहे हैं, अपने शॉप की लोकेशन भी बता दो भैया। तो नियर ओल्ड बस स्टैंड रोड में भैया की शॉप की लोकेशन है, पर घाटू का फोन ठीक नहीं कर पाए घाटू को वो हो रहा है, दुख हो रहा है क्योंकि इसने बहुत ही दिल से दिया था ये ठीक करवाने को, एक बार तो मैंने ही, और ये है इसका कुछ फोन, इसकी तो कुछ भी नहीं बचा है, अब क्या होगा इसका। हमने लगभग 100 से 200 बैटरियां छान मारी हैं अभी, पर एक भी साहिल जी के फोन के लिए बैटरी नहीं मिली, पूरी बैटरी छान मार रहे हैं हम, पर अब भी हम अभी सक्सेसफुल नहीं हुए, तो अपना फोन बताएंगे एक बार प्लीज। घाटू से चीज देन बटर, यू इंचेस लेटर, बहुत ही खतरनाक चीज बताना चाहेंगे अभी हम, देखिए पढ़िए, गुप्ता जी के बदनाम छोले भटूरे, देखिए इतने बदनाम छोले भटूरे हैं कि घाटू जी को भी पता नहीं है। घाटू जी आपको क्या लगता है कितने बदनाम छोले भटूरे हैं? तो ट्राई नहीं किए, पर जल्दी काफी दूर है हमारे कॉलेज से ये, और समय में फाइनली घाटू जी को उसकी बैटरी भी मिल चुकी है और एक शॉप में मिली, वो भी बड़े दूर, कॉलेज से बड़े दूर, और अब हम जा रहे हैं रोडू के एंट्रेंस पे, आपको आज आपको पार्क भी बताएंगे हम, ACC पार्क बताएंगे आपको आज हम, और आज आपको आगे का नज़ारा भी बताएंगे हम, देखो क्या खतरनाक नज़ारा आ रहा है जी। और साहिल जी आपसे एक सवाल रहेगा कि गुप्ता जी के बदनाम छोले भटूरे इतने बदनाम क्यों है? तो हो सकता है वो अच्छे नहीं बनाते या फिर बहुत ही अच्छे बनाते हैं, तो शायद। हाँ, नाम भी खतरनाक रखा था भैया ने, गुप्ता जी के बदनाम छोले भटूरे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। और यहाँ पे पता है क्या होता था, यहाँ पे पहले हमारा फार्मेसी कॉलेज होता था, जो फार्मेसी कॉलेज आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो फार्मेसी कॉलेज पहले यहाँ पे हुआ करता था 2012 से पहले, बट उसके बाद हमारी बिल्डिंग बन गई, और ये है हमारी ACC पार्क रोडू की एंट्रेंस, और अभी आपको अंदर जाके बताएंगे। तो अभी आपको ACC पार्क का व्यू कुछ ऐसा आ रहा होगा, और साहिल जी का फोन भी ठीक हो रहा है, तब तक मैंने सोचा है कि हम आपको यही चीज यहाँ पे घुमा देते हैं। और ये है हमारा ACC पार्क का इंटीरियर ही बोल सकते हैं घाटू इसको, है ना ऐसे, और ऐसा फुल पावर इन्होंने वो किया है, यहाँ से आपको पब्बर भी दिखेगी, पब्बर नदी, और आपको अभी पब्बर नदी भी बताएंगे, पर आप ऐसा देख सकते हैं कि अच्छा है जैसा भी पार्क है, और यहाँ से आपको पूरी पब्बर दिख रही होगी, और घाटू ऐसा जैसे ही है कुछ, है ना, और आपको यहाँ पे फुल पावर आपको आज बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं, ACC पार्क रोडू का, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पे फाउंटेन भी है, पर फाउंटेन की फाउंटेन हो गई है ये, तो किसी काम का नहीं छोड़ा है, जब नया नया बना होगा वैसे घाटू अच्छा होगा, तो आप चीज़ों की कदर नहीं होती, वो बात अलग है। और ये है हमारे गुड्डू बर्गर पॉइंट वाले भैया, इनको हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो आपने फेयरवेल वाले ब्लॉग में जिन भैया को देखा होगा, आखिरकार हम उनके पास फिर से पहुंच चुके हैं, गुड्डू बर्गर पॉइंट, इन्होंने अपना एड्रेस भी बताया था आज, तो आपको पूरा एड्रेस भी बता दिया है आपने, कहाँ से आना चाहेंगे, और ऐसा जैसा है कुछ इनका चला हुआ, भैया ये बंद कर दो, कॉफी राइट आ सकता है थोड़ी देर, और ऐसी जैसी इनकी कुछ प्रेपरेशन
तो भैया आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? आपको व्लॉग कैसे लगे हमारे? अच्छे लगे सर। आपने तो उस दिन शाम बना दी, एक भैया ने इतने बर्गर खिलाए, क्या बोले को तो भैया का मैंने व्लॉग भी बना दिया था, पर मेरे भैया को मेरे चैनल का नाम ही नहीं था पता, तब भी भैया ने खुद ही ढूंढ निकाला। इस चीज पे क्या बोलना चाहेंगे साहिल? अच्छी बात है चैनल के लिए व्यूअर। और भैया मेरे को खुद बताते मेरे चैनल का नाम, इवन मैंने भैया तक भैया को अभी तक अपने चैनल का नाम भी नहीं बताया था। है ना, वाकई मैंने किसी और से पूछा था। देखो कहीं ना कहीं यानी कि मेरा चैनल पहुंच रहा है, अब आपको पूरा रोडू भी एक्सप्लोर करवाएंगे, हर चीज एक्सप्लोर करवाएंगे आपको। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप दिन में कितने बर्गर बनाते हो और आपके रात तक कितने खत्म हो जाते हैं? मतलब एक दिन में एस्टिमेट आपने लगाया हो कुछ भी, एक दिन में कितने बर्गर बिक जाते हैं? 200-300 300-400 बर्गर बिक जाते हैं भैया के पूरे दिन में। और एक बर्गर आपको आपके एक बर्गर का बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, 30 रुपीज। और पूरी प्रेपरेशन बताएंगे आपको, देखो कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं सारे बर्गर। देखो एक ही बार में भैया कम से कम 10-20 बर्गर बना रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। एक से दो मिनट पहले आपने देखा होगा यहाँ पे 20-30 बर्गर पड़े थे और यहाँ पे अब 3 बर्गर भी नहीं बचे हैं, तो सोचो कितना फेमस होगा गुड्डू बर्गर पॉइंट। आपको बाहर की लुक भी बताएंगे थोड़ी देर के बाद बर्गर खा के। अंधेरा भी हो रहा है पर चलो इसका कुछ नहीं है, हम यहीं पे रात गुजार लेंगे। वो भी आप देख रहे होंगे थोड़ा लाइट में आज हो गए और जैसे मेरा सर भी टकरा गया और कुछ ऐसा जैसा है गुड्डू बर्गर पॉइंट का बर्गर दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। अब मैं इसके फर्स्ट बाइट लेना चाहूंगा। इस बाइट को खा के मेरे को ये चल गया पता कि मैं एक और बर्गर खाने वाला हूँ। ऐसा मैंने आपको बोला था कि ये इतना टेम्पटिंग है कि मैं दूसरा भी खा रहा हूँ। बताऊं जो भी लाइन एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा सच में, आप समझ जाओ आपने क्या समझ। ये अभी मेरे तरह दूसरा बर्गर खा रहे हैं भैया, आपका क्या रिव्यू है गुड्डू बर्गर पॉइंट के लिए? अच्छा बर्गर है और देखो भैया ने बोल दिया है कि बहुत अच्छा बर्गर है। और मैं आपको बाहर का लुक बताता हूँ थोड़ा सा, और ऐसा जैसा है कुछ गुड्डू बर्गर पॉइंट बाहर से। और मैं आपको लोकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और थोड़ा मेरा अभी कैमरा एडजस्ट कर रहा है फोकस क्योंकि लाइटिंग की कमी है। और ये रोड जाता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ पे हमारा फार्मेसी कॉलेज भी पहले इसी के साथ होता था बट अब अलग कर दिया गया। बर्गर खाए भैया, एक बार बोल दो आपका अपना चैनल को क्या करें, चैनल को क्या करें, लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जिसने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाई वो भी दबाए। और अगर आप रोडू आए तो गुड्डू बर्गर पॉइंट के बर्गर जरूर खाएं क्योंकि रोडू के सबसे फेमस बर्गर पॉइंट है ये। और अब मैं गिरता गिरता बचा, अब मिलते हैं भैया को, बाय करेंगे अब। बाय भैया, मिलते हैं आपको अगले जगह किसी लोकेशन बताएंगे आपको। आपको घाटू का फोन, भैया ने फुल पावर कैमरा लगाया है। ये हम आए हैं राणा फोटो स्टूडियो और मोबाइल रिपेयर शॉप। तो आपको ये शॉप पहले अपर मार्केट में होती थी भैया, है ना? ये शॉप अपर मार्केट में होती थी और घाटू जी का फोन ऐसे जैसे कुछ ठीक हो रहा है। घाटू तेरा फोन है ये? नहीं, और है। ये तो और है तेरा, हो गया घाटू। घाटू जी का फोन आज ठीक हो चुका है दूसरी बार। एक बार इन्होंने खुद खराब किया था, एक बार मैंने खराब किया, अब अगली बार पता नहीं कब खराब होगा। फिर से हम भैया के पास ही आएंगे इस मरीज को लेके, पर को पता है क्या पता तब तक ये
मरीज जिंदा भी रहे तब तक कोई नया मरीज ना आ जाए घाटू के पास, और घाटू के एस्पेक्ट्स भी टूटने से बची है। क्या सीन होता है बताएंगे? ये हमारा रोडू मार्केट का रात का व्यू। टूट गए यार, टूट गए मेरा तो दोस्तों आज का व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। रात के लगभग बज रहे हैं 8:30, और आज आपने देखा हमारा क्या क्या दिन हुआ, कितना हेक्टिक डे था आज का। घाटू का फोन भी फाइनली ठीक हो चुका है। तो तब तक के लिए याद रखना, दिस इज योर आपका अपना, ऑलवेज बी योर आपका अपना आपसे है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई एनर्जी के साथ, किसी नए दिन, किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।